हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 8th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 सीबीएसई बोर्ड से, जिसमें पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 रुपीज इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। यानी कि देखो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें जो पूछा गया है कि आठवीं क्लास के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो 8th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने कुछ पैसे दिए प्राइम मिनिस्टर को दिए हैं, ठीक है, और किस लिए दिए? नेशनल रिलीफ फंड, कोई आपदा वगैरह आ गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है देश के अंदर, इसकी वजह से उनके क्या करें बच्चों ने डोनेट करके पैसे दिए हैं, ठीक है। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मनी, एक बच्चे ने पैसे दिए हैं, ठीक है, और कितने पैसे दिए हमें पता नहीं है, और उस 8th क्लास में कितने बच्चे हैं वो भी हमें नहीं पता, तो हमें क्या पता लगाना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने बच्चे थे उस 8th क्लास में जिन्होंने पैसे दिए और कितने पैसे दिए हैं। और टोटल तो पता है कि टोटल कितना पैसे बने हैं, ठीक है, 2401 रुपीज़ ये जो टोटल है ये दिए गए हैं रिलीफ फंड में, तो हम क्या करेंगे, क्या चीज़ें हमें नहीं पता है, ठीक है, तो हमें जो टोटल नंबर है वो पहले वो लिख लेते हैं क्या क्या चीज दिया गया है। तो टोटल टोटल डोनेट मनी, टोटल डोनेट डोनेटेड टोटल पैसे कितने डोनेट किया गया 2401, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, और वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, लेट्स लेट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की संख्या कितनी है 8th क्लास में वो हमें पता नहीं है। ईच स्टूडेंट डोनेट, ईच स्टूडेंट डोनेट, ईच स्टूडेंट डोनेटेड, वो भी हमें नहीं पता कि एक बच्चे ने कितना पैसे दिया वो भी नहीं हमें पता, और टोटल कितने बच्चे वो भी हमें नहीं पता। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ सोचिए, क्या अगर एक स्टूडेंट है तो उन्होंने कुछ रुपए दिए हैं, कुछ मनी दिया है, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई होगा सेकंड बच्चे, फिर उसके बाद सेकंड स्टूडेंट ने दिए हैं उतने, उन्होंने भी पैसे दिए हैं तो मल्टीप्लाई, यानी कि मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा ना स्टूडेंट को मनी से मल्टीप्लाई करूँगा, तभी तो टोटल हमारे पास निकल के आएगा, टोटल हमारे पास टोटल मनी निकल के आई, ठीक है, यानी कि अब हमें स्टूडेंट का पता नहीं है, टोटल मनी का पता नहीं है, ठीक है, मतलब स्टूडेंट का पता नहीं, और एक स्टूडेंट ने कितने पैसे दिए वो हमें पता नहीं है, लेकिन टोटल कितना दे रखा है 2401 ही तो दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आंसर आएगा, तो वही चीज़ हम क्या करेंगे, ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे इस तरीके से, ठीक है, देख लेते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एक बच्चे हैं और एक बच्चों ने जो पैसे दिए वो एक्स दिए हैं, टोटल कितना हो गए, टोटल हो गए 2401 हो रखा है जो क्वेश्चन में भी दिया गया। अब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2401, ठीक है, अभी कैसे सॉल्व करें क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रूट निकालेंगे इसका, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 2401 का, कितना आ जाएगा 7 बार में 343 बार में आ जाएगा ये, ठीक, कितनी बार में आएगा 7340 बार में आएगा, इस 7 के टर्म में कितनी बार में आएगा ये 49 बार में, इस 7 के टर्म में कितनी बार में आएगा 7 बार में, इस 7 बन जाए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि देखा जाए तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकला है, इसका रूट निकल के कितना आ गया, ये आ गया है, ठीक है, पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, देखिए इसका फैक्टर कितना आया है, इसका आया है 7 7 7 7, ये 7 7 4 बार है, इसका पेड़ बनेगा
है, इसका पेड़ बनेगा और इसका पेड़ बनेगा, कितना हो जाएगा 7 × 7, कितना हो जाएगा 7 समझे, कितना हो जाएगा ये 49, कितना हो जाएगा ये 49 हो जाएगा, ठीक है, 7 7 दे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है, समझ समझा 49 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है देखिए इसमें दोबारा कर देते हैं, दिखा नहीं तो उस समय x 7 का पेड़ और 7 का पेड़ बना हुआ, ये कितना आ जाएगा 7 × क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, उसके बाद कितना आ जाएगा 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। तो x कितनी आ गई 49, ठीक है x कितनी आ गई 49। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या लिखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th, तो कितने है ये हो गया 49 हो गया, ठीक है, कितना हो गया ये 49, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो देखिए अगर 49 स्टूडेंट है तो 49 जो स्टूडेंट है तो एक बच्चों ने कितना दिया 49 दिया है, एक बच्चों ने 49 दिया है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट को, नंबर ऑफ स्टूडेंट को और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना आ जाएगा 2401 आ जाएगा, ठीक है। ओके नमस्ते दोस्तों।